अब मैं इस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट फेस लूप को मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि वो आपको गाइड करेगा मॉडलिंग के दौरान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक तो पहले से ये फेस लूप को पहले मार्क किया था मैंने रेड कलर से, तो ये भी आप देख सकते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको मैं मार्क करता हूँ अभी। ओके, इसको ग्रीन से मार्क करते हैं। ओके, बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनर पार्ट में भी आपको ये आपको लूप दिखेगा। ओके, ये इनर वाला ये काम आएगा जब आपको थोड़ी इसकी वो करनी होती है, या डिप्रेशन लेने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं अगर देखो इसको करता हूँ सिलेक्ट, देखो ये इसका फ़ायदा है, अगर आप लूप बनाओगे तो फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा हो जाता है सिलेक्ट। ओके, अब आप आसानी से इसको यहाँ पर डिप्रेशन डाल सकते हो, ये देखो इस प्रकार से। ओके, तो इसका ये फ़ायदा है। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे एज रिंग बनाया है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एनिमेट करोगे ईयर को तो ये ईजिली एनिमेट होगा इस प्रकार से। ओके, सो दीज आर दी फेस लूप आपको इस प्रकार से बनाना होगा। ओके, नाउ अब इसको फिनिश करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इसको, इसको यहाँ पर अटैच करते हैं, एफ फिल वेट, इसको पहले फिल करें, फिल अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर्टिफैक्ट, ये क्यों हुआ बताता हूँ आपको मैं भी। पहले तो उसको करेंगे हम फेस में आएंगे एंड ए फॉर ऑल सेलेक्ट, यहाँ करेंगे हम शिफ्ट एन फॉर रिकैलकुलेशन, देख सकते हैं आप लिखा रिकैलकुलेट नॉर्मल्स। ओके, ओके, सो फिल कर दिया है हमने। अब मैं अपने रेफरेंस इमेज को लोड करता हूँ, लोड पहले से ही था यहाँ पर, इसको मैं रिवेल करता हूँ फिर से, और अब थोड़ी इमेज है, सिलेक्ट ऑल दीज बैक, और इसको हम करते हैं एक्सट्रूड डाउनवर्ड, और यहाँ पर इसको हम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर स्कल्प्ट मैश को भी ऑन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं और वेयर इज दैट इन्फेंट को चेक कर लेते हैं। ओके, एंड एक्सट्रूड लाइक दिस, वन टाइम टू टाइम, ओके, देख सकते हैं इसको हमने एक्सट्रूजन कर दिया इस प्रकार से। ओके, अभी इसको मैं अपने रेफरेंस इमेज को टर्न ऑफ करता हूँ। ओके, अब जस्ट करना है को फिलिंग करनी है यहाँ पर। ओके, ये दिख रहा है तो डायरेक्ट जो फिल आसानी से दिख रहा है इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। एफ, ये लार्ज फेस है अभी के लिए तो इसको बाद में फिक्स करेंगे, अभी के लिए जो फिल दिख रहा है तो फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिल इसको थोड़ा हम करेंगे स्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन पर हल्का सा। ओके, नाउ यहाँ पर भी हमको एक एज लूप लगा देते हैं ताकि फिल करने में दिक्कत ना हो, इसको थोड़ा डाउन सम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। एफ अगेन फिल, यहाँ पर एक एज लूप लगा दो, नाउ फिल दिस। ओके, इसको हम अभी फिक्स करेंगे बाद में।
ओके, एक काम कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकते हैं ताकि हमको फेस लूप और यहाँ पर जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है उसमें वो इक्वल साइज में लगे। आई थिंक इट्स ओके, बट यहाँ थोड़ा ओके फाइन। मैश ऑन है या फिर इन्फिनिट को आप ऑफ कर दो। ओके देखते हैं क्या करना हमको अभी। ओके अब इसको यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन पे स्लाइड करके यहाँ से हम ओके इसको फिल करते हैं। एफ फिल F 1 2 इस प्रकार से फिल कर रहे हैं। ये पहले बता चुका हूँ आपको, मैं आपकी एफ बटन से आपको यहाँ पर एफ बटन दबाना है और इस प्रकार से इसको ओके फाइन। यहाँ पर फेस लार्ज है इसको। वेट फेस लुक देख लेते हैं। यह अभी इस डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको देखता हूँ मैं इस फेस को, ये मुझे लग रहा है इसको यहाँ से घुमाकर पीछे लाना चाहिए। ओके वही करते हैं इसको, यहाँ पर डाउन सम ई एक्सट्रूड 110 इसे फिल कर देते हैं। एक्सट्रूड लाइक दिस फिल, यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी होगी। ओके फाइन टू 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 इसको ऊपर करो। नाउ अगेन इसको भी हमको स्लाइड करना होगा अपवर्ड डायरेक्शन पर इसको भी। ओके फाइन एफएल स्लाइड डाउन, इसमें काफ़ी फेस में काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ पर इसको स्लाइड करना ही होगा अपवर्ड डायरेक्शन पर और यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। ओके यहाँ पर भी एक एज लूप लगाना ही होगा हमको। नाउ स्लाइड लाइक दिस FL और FL एंड FL एंड इसको करेंगे सिलेक्ट फिल कर देंगे। ओके प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ इसको इस डायरेक्शन में स्लाइड करते हैं हल्का सा, यहाँ पे फेस लूप
वेट, ओके नाउ यहाँ पर अब थोड़ा सोचना होगा मुझे किस प्रकार से करना है इसको। ओके, इसको मैं इस डायरेक्शन में पुल करता हूँ, इसको भी डायरेक्शन पर। नाउ इसको फिल कर देते हैं, एफ से फिल, एफ एफ। ओके कंप्लीट। नाउ सेलेक्ट दीज, एक्सट्रूड लाइक दिस, ओके एंड सेलेक्ट बैक, एक्सट्रूड एंड इसको हम फिल कर देते हैं आपसे। आपको यहाँ पर देखो ये टोपोलॉजी रखनी ज़रूरी है, ताकि जब उसको हेड को हम रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन पर, ओके तो क्या होता कि यहाँ पर ये टोपोलॉजी काम आती है। ओके तो इसका भी मैं होल्ड डाउन कंट्रोल, ओके डब्ल्यू, तो मैं यहाँ से ही करूँगा। ठीक है, एक मैं यहाँ से ही एक इस प्रकार से वेट, इसको सेलेक्ट वन, सेलेक्ट सेलेक्ट दिस वन, दिस वन, दिस वन लाइक दिस एंड एक्सट्रूड। ओके फाइन, यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी होगी फ्रंट में आके। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ना इसको करते हैं डिलीट। आर कंट्रोल आर एज लूप एंड इसको फिल कर देते हैं। एफ आई थिंक थोड़ा खिसकाना चाहिए इसको डायरेक्शन पे हल्का सा। नाउ फिल दिस, ओके ओके नाइस एंड डैंडी। इसको भी यहाँ पर
व्हाट प्रॉब्लम आ रही, क्या हो गया इसको? चलो भाई इसको इस डायरेक्शन पर कर देते हैं, हल्का सा इस डायरेक्शन पर ऊपर की और एक बार देखे हैं। ओके, अब एक बार हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं क्या? एक बार फिर से हम अपने रेफरेंस इमेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ईयर जो है वो रेफरेंस इमेज से छोटा दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करते हैं हम। पहले तो मुझे यहाँ पर इसको ऑफ करना होगा, ओके, और मुझे यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल को ऑन करना होगा, ओके। और मैं यहाँ पर पहले तो मैं हेड स्कल्प्ट मैश को ऑफ करता हूँ, और यहाँ पर इसको यहाँ पर आते हैं फ्रंट व्यू में, और इस प्रकार से, ओके। ओके, तो देख सकते हैं हमने ये पूरा हेड स्कल्प्ट कर किया पहले, उसके बाद हमने इसको किया रिटिपोलोजाइज। तो ये रिटिपोलोजाइज का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो एक बार के लिए हम यहाँ पर इसके आते हैं हम ऑब्जेक्ट मोड में, ओके, और यहाँ पर हम शेड स्मूथ कर देते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये कलर दिख रहा है, जस्ट इसको मैं भी फिक्स करता हूँ, कलर ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सी, ओके, कलर मटेरियल, ओके। देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्कल्प्ट करने के बाद इसको पूरा रिटोपोलोजाइज कर दिया है। सो ये हमारा हेड मॉडलिंग का प्रोसेस जो चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी आवर टोर्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।